मेरी आज की स्ट्रैटेजी यही थी कि फर्स्ट राउंड से ही थोड़ा डोमिनेट करूं राउंड को, बिकॉज वो उसको सीडिंग नंबर वन पे रखा है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है सीडिंग का। तो मेरा यही था कि मुझे सीडिंग नहीं मिली तो मुझे सीडिंग नंबर वन को मैं अगर मारती हूँ फर्स्ट राउंड से तो जजेस के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, इसीलिए मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि फर्स्ट राउंड से मैं डोमिनेट करूँ। टेंशन तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हर किसी को रहता है, बट मैंने उसकी बाउट्स पहले भी देखी है तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, क्योंकि वो फाइटर है, उसके साथ क्लोज रेंज में जाने से वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, तो मेरा यही था कि दूर से खेलूं मैं, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत क्लिंचिंग हो रहा था और थोड़ा बहुत डर्टी गेम हो रहा था, बट नेवर माइंड, एट द एंड मैं जीत गई तो मुझे खुशी हो रही है। जी हाँ, अभी प्री क्वार्टर में पहुंच गई हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप फोकस कर रही हूँ, जैसे आई कीप मूविंग फॉरवर्ड वैसे वैसे मुझे टफ अपोनेंट्स मिलेंगे तो उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी अपनी। आपका जो फर्स्ट राउंड था उसमें जो अपोनेंट था वो काफी मुकाबला दिया आपको, पहले मैं कभी उसके साथ खेली नहीं हूँ तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम फेसिंग हर, तो मेरा यही था कि पहले 10-15 सेकंड मैं चेक करूँ और उस हिसाब से फिर मैं अपना अटैक करूँगी मैं, बट वो भी अटैक नहीं कर रही थी स्टार्टिंग फर्स्ट 15 सेकंड्स में, देन आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट, मैं खुद स्टार्ट करती हूँ अटैक, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मैं।